करती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी परोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। खुदा हाफिज। तुम्हें आखिर चली आई, बड़ा एहसान किया तुमने। हमारी मौत कितनी खूबसूरत होगी। तीन बजकर 3:35 पर भारत की ये ट्रेजेडी क्वीन हमेशा हमेशा के लिए सो गई। दोस्तों, अगर आपने पाकीज़ा फिल्म देखी हो तो वो सीन आपको याद होगा कि इस सीन में अशोक कुमार जी नहीं बल्कि मीना कुमारी जी के शौहर कमाल अमरोही जी हैं। इस फिल्म में मीना कुमारी जी बहुत बीमार थीं और जैसे ही पाकीज़ा फिल्म पूरी हुई, मीना कुमारी जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, ये मीना कुमारी जी के जनाजे की वो रेयर तस्वीरें हैं जो आपने कभी नहीं देखी होगी। इस तस्वीर में हम फूलों से सजा हुआ मीना कुमारी जी का जनाजा देख सकते हैं। इस तस्वीर में हम मीना कुमारी जी के जनाजे में सबसे आगे राजेंद्र कुमार जी दिख रहे हैं और मोहम्मद रफ़ी साहब, रजा मुराद जी मीना कुमारी के जनाजे को कंधा देते हुए दिख रहे हैं। और इस तस्वीर में राजेंद्र कुमार और दिलीप साहब और दूसरे उनके फैंस रोते हुए दिख रहे हैं। और इस तस्वीर में मोहम्मद रफ़ी साहब और दिलीप साहब जनाजे में सबसे आगे दिख रहे हैं। और इस तस्वीर में हम मीना कुमारी जी के शौहर कमाल अमरोही जी जनाजे की नमाज अदा करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर कमाल अमरोही साहब मीना कुमारी जी के जनाजे पर दुआ पढ़ते हुए दिख रहे हैं। और इस तस्वीर में राजकुमार जी कमाल अमरोही जी को दिलासा देते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर मीना कुमारी जी को दफनाते हुए सबसे आगे राजेंद्र कुमार और पीछे मोहम्मद रफी साहब देखते हुए दिख रहे हैं। और इस तस्वीर में जनाजे के आगे की तरफ दिलीप साहब, राजेंद्र कुमार और कमाल अमरोही जी दिख रहे हैं। और इस तस्वीर में दिलीप साहब मीना कुमारी जी की कब्र पर मिट्टी डालते हुए दिख रहे हैं।
यहाँ पर दूसरे फैंस कब्र पर मिट्टी डालते हुए दिख रहे हैं। अपनी यादों का देखे नजराना, जाने वाले अजीब होते हैं, जिनके मरने पे लोग रोते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। और यहाँ इस तस्वीर में मीना कुमारी जी के तस्वीर को हार पहनाते हुए अशोक कुमार जी और नरगिस जी दिख रहे हैं। अहमदाबाद के इस कब्रिस्तान में मीना और कमाल दोनों सोए हुए हैं एक साथ। कभी उनके चाहने वाले वहां पहुंचते हैं और सर झुकाते हैं। किसी किसी की जिंदगी इतनी गमजदा क्यों होती है? जितना भी सोचिए अफसोस होता है। मीना को जीते जी चैन की सांस न मिली और मरने के बाद हम उसे मान न दे पाए जिसकी वो हकदार थी। ये कितना तकलीफ दे है कि अपने पूर्वजों को लेकर अब भी हमारे खून में हरारत नहीं होती। खुश नसीब होते हैं। और यहाँ इस तस्वीर में मीना कुमारी जी के तस्वीर को हार पहनाते हुए अशोक कुमार जी और नरगिस जी दिख रहे हैं। अहमदाबाद के इस कब्रिस्तान में मीना और कमाल दोनों सोए हुए हैं एक साथ। कभी उनके चाहने वाले वहां पहुंचते हैं और सर झुकाते हैं। किसी किसी की जिंदगी इतनी गमजदा क्यों होती है? जितना भी सोचिए अफसोस होता है। मीना को जीते जी चैन की सांस न मिली और मरने के बाद हम उसे मान न दे पाए जिसकी वो हकदार थी। ये कितना तकलीफ दे है कि अपने पूर्वजों को लेकर अब भी
हमारे खून में हरारत नहीं होती। वही जिंदगी वही मरहले वही कारवां वही रास्ते, वही जिंदगी वही मरहले वही कारवां वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं।